नाथ संप्रदाय के ओघड़ मठ के महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ने ओपी राजभर को दो टूक शब्दों में कहा है कि वे भारत के नहीं हैं, उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। दरअसल सुहेलदेव पार्टी के राजकीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान में कहा था कि जिन्ना अगर भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। इस बयान पर महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ने ओम प्रकाश राजभर को कह डाला कि वे भारत देश के नहीं हैं और ऐसे शख्स को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने कहा कि जो जिन्ना की बात करता है वे आतंकवादी है और देशद्रोही है। संबल में राष्ट्रीय चेतना यात्रा को लेकर पहुंचे महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ने और कुछ क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कि अगर जिन्ना देश के पहले जिन्ना होते तो देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत का विभाजन नहीं होता। मैं आपको बता दूं, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। अगर ओपी राजभर इस बात की बात कर रहे हैं तो उनको कहो पाकिस्तान जाएं, वहीं रहें। आपको शायद एक बात का पता नहीं होगा, एक दलित समाज के आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बटा था, मैं आपको मुख्य बात बता रहा हूँ, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो आपके पश्चिम बंगाल से दलित समाज के एक एमपी थे, उनको अपने जिन्ना साहब ले गए पाकिस्तान। बोले ऐसा है, आपके भारत में दलितों पर बहुत अत्याचार होता है, आप हमारे साथ चलो। वो चले गए वहाँ पर। जाने के बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जिन्ना साहब की मृत्यु हो गई, लियाकत हुसैन वहाँ के प्रधानमंत्री बने और इनको वहाँ का लॉ मिनिस्टर बनाया गया। जो पश्चिम बंगाल के जो एमपी थे, उन्होंने वहाँ पर देखा, उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रतिदिन वहाँ पर दलित की बेटियों के साथ बलात्कार होता था। पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। इस बात को लेके वो लियाकत के पास गए, बोले ये क्या हो रहा है, मैं इस देश का लॉ मिनिस्टर हूँ और मेरे ही जाति के साथ आप ऐसा दुष्प्रव्यवहार कर रहे हैं, आप कुछ एक्शन क्यों नहीं लेते। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए और आज वो भारत में कहाँ गुम हो गए कुछ पता ही नहीं है उनके। तो अब आप ये बताइए, उनके बयान को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? किसके बयान को? जो राजभर जी ने जो बयान दिया, राजभर जी को पाकिस्तान जाना चाहिए, वो यहाँ के हैं ही नहीं। जो उनकी बात करता है वो वहाँ रहे। यहाँ जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान की बात करते हैं, जिन्ना की बात करते हैं, वो यहाँ से जाएं, पाकिस्तान रहें। बहुत वेलकम का वेलकम होगा। जिस प्रकार वो सांसद साहब लौट के आए, आज गुमनामी में खो गए, मिट्टी में मिल गए, किसी को नहीं पता, ऐसी ओम प्रकाश राजभर भी जो हैं एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जो देश की बात नहीं करेगा, भारत माता उसको श्राप देगी, उसको बता देगी कि तुम किस मिट्टी के हो, उसको पता चलना चाहिए। मैं ऐसे ओम प्रकाश राजभर को, जो जिन्ना की बात करता है, वो भारतीय मूल का कभी नहीं हो सकता, वो सिर्फ पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, आतंकवादी है, देशद्रोही है।